हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत दिनों से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर न्यूज़ नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर न्यूज़ आया है। अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं तो आज का जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होने वाली हैं। दोस्तों किस किस देश से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जुड़ेगा, सबसे पहले किस देश से उड़ानें होगी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए एक साल हो चुके हैं। पिछले साल नवंबर महीने में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए थे और साथ में जितने भी आला अधिकारी थे सभी लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सभी लोग ये आश्वासन दिए थे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक बहुत ही अच्छा सा एयरपोर्ट है और साथ में उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ से विदेशी उड़ानें बहुत ही जल्द हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए एक साल हो चुके हैं। बात करें कि कितने फ्लाइटें कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस टाइम तक आ चुकी हैं, तो दोस्तों बता दें कि अब तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक भी फ्लाइट नहीं आई है। बात करें तो जब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जिस दिन उद्घाटन होना था उस दिन श्रीलंका से एक फ्लाइट आई थी जिसमें बहुत भिक्षु थे और उसके बाद से उन्होंने यहाँ से चले गए। अब दोस्तों बात करेंगे क्या उसके बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ से हुई है कि नहीं हुई है, तो इसका जवाब होगा कि नहीं हुई है। पहले कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दिल्ली के साथ जोड़ा गया, साथ में कोलकाता मुंबई के साथ जोड़ा गया, लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद मुंबई और कोलकाता की जो फ्लाइटें हैं उसको रद्द कर दी गई। अब जब पूछा गया सवाल तो जो स्पाइसजेट कंपनी ने उन्होंने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से यात्री नहीं मिल रहे हैं मुंबई और कोलकाता के लिए, इसलिए हम फ्लाइट को रद्द कर दे रहे हैं, सिर्फ दिल्ली के लिए यहाँ से उड़ानें होंगी और यहाँ पर फ्लाइट आएंगी। लेकिन दोस्तों कहने को तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 7 दिन उड़ानें हैं, यानी कि हफ्ते में सभी दिन तक कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से यहाँ से उड़ान होनी है, लेकिन कब इसका फ्लाइट कैंसिल हो जाए कुशीनगर से दिल्ली के लिए किसी को नहीं पता है। इसलिए जो भी टिकट बुक करते हैं उनको एक मन में एक शंका बना रहता है कि हमारा टिकट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ज़्यादातर लोग गोरखपुर का इस्तेमाल करते हैं, गोरखपुर एयरपोर्ट का। लेकिन अब फाइनली सवाल ये है कि क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाकई में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें करने जा रहा है, तो दोस्तों हाँ करने जा रहा है। और कुशीनगर के जो सांसद है विजय दुबे, उन्होंने कहा है कि कुशीनगर बहुत ही जल्द जद्दा और साथ में जो थाईलैंड है उसके साथ जुड़ने वाला है। अब यहाँ पर तिथि तो नहीं बताई गई है लेकिन बताया गया कि बहुत ही जल्द जुड़ेगा। दोस्तों उम्मीद ये भी करते हैं कि बहुत ही जल्द कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों से जुड़े, ताकि कुशीनगर के आसपास के बहुत सारे लोग इधर रहते हैं तो उन लोग कुशीनगर सीधे आ पाएं। दोस्तों यही था आज का अपडेट, शुक्रिया।